कटिहार जिला मत्स्य पालन विभाग के प्रयास से पहली बार कटिहार जिला मछली उत्पादन के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना है बल्कि कभी आंध्र और बंगाल पर मछली के मामले में निर्भर रहने वाले जिला अब अपने जिले में मछली की डिमांड पूरा करने के साथ साथ पड़ोसी राज्य बंगाल के कई जिले के थालियों में स्वाद का जायका परोस रहा है। रेहू, कतला, कवई, सिंघी, मांगुर के अलावे कई तरह के मछली उत्पादन के मामले में कटिहार अब अपना पहचान स्थापित करने लगा है। मछली उत्पादन के मामले में सरकार के सहयोग से आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आर्थिक आमदनी के नई जरिए के रूप में विकसित होते कटिहार जिले के मछली उत्पादकों के प्रयास पर ब्यूरो रिपोर्ट बीटी न्यूज कटिहार। वर्षों में आंध्र प्रदेश से बहुत ही मछली आया करती थी जिसमें फॉर्मलिन डाला जाता था। फॉर्मलिन के कारण जो है उसका प्रिजर्वेशन होता था जो 8 दिन 10 दिन के बाद लोगों को सड़ी गड़ी मछली खाने को मिलती थी। परंतु आज के समय में जितने भी चौक चौराहा है, हाट बाजार है, बड़ी बड़ी मंडी है, सभी में आप जाएंगे तो आपको लाइव फिश मिलेगी, जिंदा मछली प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ के लोगों ने मछली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये आत्मनिर्भर मेहनत ये आपको जैसे कि इसमें बड़ा हाथ आपका मुख्यमंत्री जी बिहार का और प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है, नीली क्रांति योजना है, ये बिहार में पिछले 2 साल से फुल्ली डेवलप कर रहा है और इसके चलते आपका बिहार में मछली उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ का तो खपत तो हो रहा है मछली, आपका बंगाल में भी मछली जा रहा है और दूसरा राज्य में भी जा रहा है, काहे कि वहाँ हिल इलाका में दाम ज़्यादा है आपका। पहले तो आंध्रा पे निर्भर, हाँ पहले आपका हम लोग का बर्फ़ का मछली का ऊपर निर्भर करता था, तो ये तो कर्नाटक आंध्रा ये सब से आता था। अब उसका डिमांड धीरे धीरे घटने लगा है और यहाँ आपका देसी मछली का जो है विशेष कर रेहू, कतला, मिर्गा, ग्रास काप ये सब तो होता है, जैसे कि हम भी छोड़े हैं ये, और विशेष करके और जो देसी मछली जैसे कि सिंगी, देसी कवई, देसी मंगूरी, यहाँ लोकल में भी डिमांड है, बाहर में तो और अच्छा 1000 टका किलो तक जाता है, तो इसका डिमांड है और इसका आपूर्ति अब होने लगा है यहाँ पर। फायदा है, हाँ फायदा है, इसमें डबल फायदा है। क्या नाम आपका? शिव शंकर रोनियार। क्या है जगह का नाम? ये जगह का नाम है डनखोरा भट्टाबाड़ी और ये जो पोखर बना है ये उर्मिला देवी के नाम से।